चलिए दोस्तों, आज हम आपको जुहू चौपाटी, मुंबई की जुहू चौपाटी की शाम घुमाते हैं कि यहाँ शाम ढलते से ही यहाँ का वातावरण जो है कैसा हो जाता है, और दूर दराज से आए हुए सारे लोग मुंबई शहर में यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी जुहू में रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, तो यहाँ की भीड़ आप देखिएगा कितनी भीड़ यहाँ पर है। और यहाँ पर हर प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, ये सामने आप विमान देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी टेक ऑफ होती है जुहू चौपाटी के ऊपर से ही जितने भी प्लेन हैं, ज़्यादातर यहीं से जाते हैं। और ये देखिए, आज शाम के हर शाम जुहू चौपाटी पर ऐसी भीड़ होना शुरू हो चुकी है। हालांकि कोरोना में तो जुहू चौपाटी को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर सिर्फ पक्षियाँ ही दिखा करते थे पक्षी, लेकिन अब लग रहा है कि वाकई जुहू चौपाटी है, क्योंकि जहाँ पर इंसान नहीं वहाँ उस जगह का कोई भी मूल्य नहीं होता है। और लेकिन सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि अगर आप जुहू चौपाटी पर अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो यहाँ पर 200 रुपये का फाइन कर दिया जाएगा आपको। और यहाँ पर हर एक इंसान अपने परिवार के साथ में आता है, हर तरह की खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लेकिन बस सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पेपर्स है, कूड़ा कचरा है, वो अपने निश्चित स्थान पर ही फेंके, क्योंकि ऐसी शुद्ध जगह पर आकर सभी लोग बैठते हैं। गंदगी अगर करेंगे तो सभी के लिए बेकार होगी और उसी से बीमारियां पनपती है। और चलिए यहाँ के विषय में बताते हैं। यहाँ पर बोटिंग का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ पर 200 रुपये एक पर हेड लेते हैं वो लोग, और आपको समुद्र के अंदर घुमा कर लेकर आते हैं। ये आप देख सकते हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फोटोग्राफर्स भी हैं, और हर तरह की खाने पीने की चीज़ें, समोसा, कचौरी और गरम गरम लेकर आते हैं सब बना के। वैसे बड़ा ही मज़ा आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि समुद्र के किनारे जब आप घूमते हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है मुंबई का, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। मुंबई में ठंड तो रहती ही नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पर स्वेटर भी नहीं पहनना पड़ता है दोस्तों। और शाम ढल चुकी है और सूर्य देवता, दोस्तों देखो समुद्र के बीच में गोलाकार बिल्कुल लाल रंग के नज़र आ रहे हैं, गुलाबी बिल्कुल। और ये देख सकते हैं सुनहरी किरणें बिखेरते हुए, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ पर अगर आप आते हैं। और शाम के वक्त देखिए, सभी लोग सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको अंदर ले जाकर दुकानें भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी दुकानें खाने पीने की यहाँ पर लगी हुई है। और ये देख सकते हैं, यहाँ पर चटाइयाँ भी मिलती है, चटाई पर बैठकर आप अपना खाना खा सकते हैं ताकि रेत ना लगे। और ये बच्चों के खेलने के खिलौने, गुब्बारे, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहती है। और आप अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आप आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अंदर जो सामने जो दुकानें दिख रही है उसके अंदर भी हम आपको लेकर जाएंगे। और पहले बाहर का यहाँ का आपको दिखा देते हैं कि जुहू चौपाटी पर लोग आकर किस तरह से यहाँ पर पिकनिक पार्टी सब लोग करते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ खानी है सारी चीज़ें उपलब्ध है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, ये भुट्टे का स्टॉल है यहाँ पर। और ये पूरा यहाँ का आसपास का वातावरण बड़ा ही अच्छा लगता है शाम के वक्त। और सुबह और शाम को हर रोज़ जो है बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ जुहू चौपाटी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चटाई लेकर सभी लोग खड़े हैं, जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले ये लोग रहते हैं, और कुछ बेचने वाले भी रहते हैं। आप अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि
रेत में बैठकर खाएंगे तो रेत चली जाएगी खाने के अंदर, और नारियल पानी के बगैर तो जूहू चौपाटी का मतलब ही नहीं है। और ये यहाँ पर आप आसपास का वातावरण देख सकते हैं, हर प्रकार के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन यहाँ पर ये लाइटों के माध्यम से यहाँ पर ये कर रखा है, और जैसे ही रात होती है और इनमें लाइटें जलती हैं तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा जुहू चौपाटी का हो जाता है। हालांकि समुद्र की ओर तो थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाता है। और जुहू चौपाटी पर आप वॉक करते करते दोस्तों फिल्म स्टार के घर भी जा सकते हैं। हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपको अक्षय कुमार के घर, अगर आपको यहीं से टहलते हुए चले जाना है तो आप जा सकते हैं। वीडियो चेकआउट कीजिए ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में दोस्तों। और मुंबई, पूरे मुंबई शहर में जितने भी फिल्म स्टार हैं और जितने भी स्टूडियोज हैं मुंबई में, उनका एक 5 नंबर का वीडियो है नीचे, 1 घंटे का वीडियो है। उस लिंक पर आप दबाएंगे तो पूरा फिल्म सिटी टूर कर सकते हैं, सारे एक्टरों के घर घूम सकते हैं और जितने भी स्टूडियोज हैं मुंबई में उन सभी का आनंद ले सकते हैं और मुंबई की अच्छी खूबसूरत जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। और ये जुहू चौपाटी तो अपने आप में ऐसा लगता है कि हर रोज़ इंसान जब भी समय मिले यहाँ पर आए और टाइम स्पेंड करे, क्योंकि बाहर से भी आने वाला हर इंसान जुहू चौपाटी में ज़रूर आता है। और यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आप अंधेरी स्टेशन से भी आ सकते हैं ऑटो रिक्शा करके, और सांता क्रूज स्टेशन से बहुत ही करीब पड़ती है, वहाँ से बस आती है और सिर्फ 5 रुपया ही टिकट है सांता क्रूज से। और सांता क्रूज से जो है बस बन के चलती है जुहू डिपो के लिए, और ये सनसेट होने को है, बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही शांत हो चुका है समुद्र। और वाटर लेवल भी जो शाम के वक्त है थोड़ा नीचे चला जाता है, फिर रात में 12 बजे वापस से पूरा भर जाता है जुहू चौपाटी जो है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूजनीय जो है सागर को ही माना गया है। और ये जैसे जैसे शाम होती जा रही है हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। ये यहाँ पर ये होटल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही फेमस होटल है और उसके करीब हम लोग ये आ चुके हैं। और ये आप यहाँ से, इसीलिए भीड़ ज़्यादातर किसी को भी पसंद नहीं रहती, हो सक थोड़ा सुकून और शांति वाली जगह में आप जाएंगे तो ये JW मैरियट होटल के पास से हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शांति भी है, भीड़ भी कम है और देख सकते हैं आप यहाँ का लहरें कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत शानदार नज़ारा यहाँ पर है। और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके आगे जो है JW मैरियट होटल है, यहाँ का जुहू का सबसे शानदार होटल दोस्तों इसको माना जाता है। और अब हम आपको दुकानों के अंदर लिए चलते हैं, दुकानें रात में किस तरह से लगती है ये आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की स्टॉल है, पाव भाजी की स्टॉल है, पाव भाजी मुंबई का बहुत ही फेमस है, पाव भाजी और बड़ा पाव दोस्तों। कहते हैं मुंबई में आके कोई भी भूखा नहीं सोता है, 10-15 रुपए में आपको बड़ा पाव मिल जाता है और आप अपना पेट भर सकते हैं। और यहाँ पर हर तरह की सामान की, काला खट्टा भी आप खाएंगे, यहाँ का बहुत ही फेमस है जुहू चौपाटी का। ये पूरी यहाँ पर ये दुकानें यहाँ पर ये लगी हुई है, हालांकि थोड़ी लाइट थोड़ा लिकर हो रही है, कोई बात नहीं। और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हर तरह की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरा जुहू चौपाटी में ये पान वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर स्टॉल पाव भाजी की, आइसक्रीम्स पार्लर सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज हमने आपको पूरा जुहू चौपाटी की शाम और रात दिखाई दोस्तों। और ऐसे ही लाइफ में
अपने आप को रिचार्ज करते रहिए। जब भी वक्त मिलता है अच्छी खूबसूरत जगह पर घूमने जाइए और हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। सबको सराहना कीजिए, सबके लिए अच्छी सोच रखना, यही जीवन का मार्ग है। जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्य करते जाएगा। तो दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में आपसे।